नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नारायणगंज जिला पंचायत मंडला के निर्देश अनुसार एवं तहसील नारायणगंज की सहमति से प्राथमिक शाला बोरिया में शासन के आदेश अनुसार सूखा चावल है, जो कोरोना वायरस के होने के कारण सभी बच्चे अपने अपने घरों पर हैं। मार्च और फरवरी का सूखा चावल है, जो बचत खाद्यान्न है, जिसमें 3 किलो 300 ग्राम प्रति पर बालक के पालकों को वितरित किया जा रहा है, जिसमें ग्राम के पालक संघ के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी मसराम, संस्था प्रभारी प्रधान अध्यापक जीवन लाल यादव, सहायक शिक्षक ओम प्रकाश चौकसे, ज्ञान सिंह मसराम पंच सदस्य रहे। कमला स्व सहायता समूह द्वारा ग्राम बोरिया द्वारा प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम से किया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार महोदय की सहमति रही, जिसमें तहसीलदार महोदय देवी प्रसाद चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन से 1 मीटर की दूरी पर गोला बनवाकर सभी बच्चों के पालकों को नियम से गोले में खड़े करवाकर खाद्यान्न वितरण किया गया। ये कौन से संस्था या किस माध्यम से किया जा रहा है और कितना किलो किया जा रहा है? जी, आप सभी लोगों का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप हमारी संस्था प्राथमिक शाला बोरिया में आप पधारे हुए हैं। शासन के आदेश अनुसार माह मार्च और फरवरी का जो खाद्यान्न है, जो कि बच्चों को आवितरित है, कोरोना वायरस की वजह से सभी बच्चे अपने घरों पर हैं, इसलिए शासन ने आदेश दिया है कि सूखा जो चावल है हमारा बचत खाद्यान्न, इसको सभी छात्रों को 3 किलो 300 ग्राम के प्रति छात्र के हिसाब से इनको वितरण करना है। आज हमने आकर के ग्रामवासियों को बुलाया, हमारे समिति के सदस्यों को बुलाया, सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ गोले बनाकर इनको सभी लोगों को खड़ा किए हैं। खाद्यान्न जो यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। गोले की दूरियाँ कितनी हैं सर? गोलियाँ काफ़ी, हम 1 मीटर की दूरी पर हमारी गोले निर्धारित हैं, जहाँ पर हमारे लोग खड़े हुए हैं, ताकि ये हमारा जो वायरस है फैला हुआ है, इससे हमारी सब लोगों की बचत हो सके। धन्यवाद। मैडम जी, आप कौन? श्रीमती लक्ष्मी बाई मसराम, इस स्कूल की प्राइमरी स्कूल की सदस्य अध्यक्ष। किस विषय पे आप यहाँ आए हैं? मध्याह्न भोजन सूखा बच्चों के लिए वितरण कर रहे हैं। 3 किलो 300 ग्राम 300 ग्राम इसलिए सर बुलाए हैं, इसलिए वितरण कर रहे हैं। वितरण सभी बच्चों को हो रहा है क्या? जी सर, प्राइमरी प्राइमरी जी प्राइमरी जी। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए नारायणगंज से संवाददाता बैनीलाल सिंगरौरी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।